हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतमाला सड़क परियोजना, बारिश के दिनों में कहीं दादाल गांव भी कवास ना बन जाए, 10 फीट चौड़ाई में एक नाला, ग्रामीणों ने की 10 की मांग। बागोड़ा दादाल सरहद में गुजरती भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्त भूमि पर बारिश के पानी बहाव को लेकर सीमित संख्या में नालों को छोड़ने से दादाल गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर व सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखंड अधिकारी सायला को ज्ञापन सौंपकर दादाल बागोड़ा ग्रेवल सड़क मार्ग पर एक ही जगह 10 नालों का निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। दादाल गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सुराणा व तिलोड़ा गांव का पानी बारिश के दिनों में आदर्श तालाब दादाल में आता है, जो तेज बहाव के साथ ओवरफ्लो होकर बागोड़ा की ओर खेतों में होकर निकलता है। वेग से बहते पानी का निकासी के लिए तालाब किनारे 8 नाले बने हुए हैं। यही बारिश का पानी गांव के कसरा नंबर 518 में होकर बागोड़ा तालाब में जाता है, मगर अब भारतमाला परियोजना में निकल रही सड़क की वजह से पानी बहाव के लिए महज एक नाला प्रोजेक्ट में होने से खोल रहे हैं, जबकि यह तालाब व खेतों में बारिश का पानी निकालने के लिए करीब 10 नालों की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने परियोजना अधिकारियों व प्रशासन से मांग की है कि यदि कसरा नंबर 518 में बारिश के पानी निकासी में नालों की संख्या नहीं बढ़ाई तो आने वाले समय में दादाल व तिलोड़ा के ग्रामीणों को भारी नुकसान होने के साथ ही जान का खतरा पैदा हो जाएगा। उप सरपंच गणपत सिंह, तोलाराम, नरपत सिंह, चैलाराम, मंगलाराम, वगदाराम समेत बड़ी संख्या में गांव वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन उक्त जगह पर नालों की संख्या बढ़ाए, अन्यथा बारिश के पानी से बर्बाद होने की बजाय अब किसी भी कीमत पर भारतमाला सड़क का निर्माण बहाव क्षेत्र में नहीं होने देंगे, कहीं बारिश के बहाव से दादाल भी कवास ना बन जाए। भारतमाला परियोजना में बन रही सड़क पर बारिश के दिनों में या नदी ओवरफ्लो होने पर पानी के बहाव के लिए सीमित संख्या में नालों की संख्या है, जो अपर्याप्त है, क्योंकि जहां पानी का खास बहाव क्षेत्र है उस जगह पर अभी एक ही नाला प्रोजेक्ट है। ऐसे में 3 गांवों से बहते बारिश के पानी की निकासी में यह जरूरत तो करीब 60-70 फीट में नालों की है, उस जगह पर अभी एक ही नाला प्रोजेक्ट में है। ऐसे में 3 गांवों से बहते बारिश के पानी की निकासी में यहां जरूरत है तो करीब 60-70 फीट में नालों की। जिला प्रशासन व परियोजना प्रबंधन अधिकारियों को वास्तविक जांच करनी चाहिए, ताकि कहीं कवास व मलवा गांव में लोगों को भागने तक का अवसर नहीं मिला था और तीनों दिशाओं में बड़े धोरों की वजह से आधी रात को यकायक पानी ने गांव को घेर लिया था। भीषण बाढ़ में 100 लोगों की जिंदगी लील गई थी और आज भी 21 अगस्त 2006 की रात को 22 फीट की ऊंचाई तक पानी भर जाने के मंजर को देख आज भी लोग सिहर उठे हैं और यही हालात कहीं दादाल का ना हो जाए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दादाल के उप सरपंच एवं किसान नेता गणपत सिंह, इन्होंने ये कहा, ये अपने भारतमाला अंदर दादाल के अंदर 136 800 पे पोल पे ये जो यहाँ पे जो पानी का निकासी है उसके लिए खाली एक ही पुल बना रहे हैं भारतमाला वाले। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, गांव वाले सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हमने SDM साहब को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को मेल किया था ज्ञापन का, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। SDM साहब ने आज अभी फ़ोन किया था, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, यदि कार्रवाई होती तो ठीक है, नहीं तो हम धरने पर उतरेंगे और ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। आपकी मांग कितने पोल की है, मतलब ये पुल बनाने की है? ये हमारे गांव के दादाल के आदर्श तालाब में वहां पे 10 पुल लगे हुए हैं, 10 पुल में से पानी नहीं निकलता, उसके साइड में से होके पानी कई बार निकलता है, हर साल निकलता है, वो पानी इसी खसरे में से निकलता है, तो वो पानी वहां से नहीं निकल पाता, यहाँ एक पुल में कैसे निकलेगा, या तो कवास की भी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर पानी कौन कौन से गाँव से आता है? ये छुराना से, तिलोड़ा और ये दादाल, तीनों गाँव का पानी है। जागरूक टीवी के बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट।